कोविड फिर लौट आया है। इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं और काफी लोग बीमार भी हो रहे हैं। दिल्ली में इसकी संक्रमण दर 20% के करीब है। इस हफ्ते में इससे एक मौत भी हो गई। ऐसे में तमाम राज्य इसे लेकर सतर्क हो गए हैं। साल 2020 में यही वक्त था जब कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू किए थे। ऐसे में लग रहा है कि अप्रैल में फिर कहीं कोरोना की एंट्री भारी ना पड़ जाए। हरियाणा ने इसकी चौथी लहर की तैयारी शुरू कर दी है और 100 या इससे ज्यादा संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर मास्क लगाना जरूरी कर दिया है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में भी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ तमाम राज्य सरकारें इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जो सब कुछ जानते हुए भी इससे आंखें चुरा रहा है वो है आम आदमी। फिर चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या पब्लिक प्लेस, ऐसी जगहों पर कम ही लोग मास्क लगाए नजर आते हैं। सैनिटाइजर तो फ्री में मिले तो भी लोग अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जाहिर है कि कोविड का डर अब उनके दिलों में नहीं है। बेशक डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि इस बार का कोविड जानलेवा नहीं है, लेकिन साथ ही वे ये भी कहते हैं कि अगर सावधानी ना बरती गई तो ये आपको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये फैसला अब आपको लेना है कि आप परेशानी आने तक इंतजार करेंगे या पहले ही उसका बचाव शुरू कर देंगे। महज एक हफ्ते के अंतराल में ही दिल्ली में कोविड की संक्रमण दर दोगुनी हो चुकी है। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस बार के वायरस से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही इससे कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ रहा है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिन लोगों को शुगर या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं उन्हें ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि उनको ये बीमारी ज्यादा परेशान कर सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि राजधानी दिल्ली के ज्यादातर घरों में इन बीमारियों से पीड़ित कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है। ऐसे में दिल्ली के ज्यादातर घर इस तरह कोरोना के रडार पर हैं। मशहूर वायरोलॉजिस्ट और बीआर अंबेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च में डायरेक्टर प्रोफेसर सुनीत के सिंह कहते हैं कि कोरोना वायरस आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस जब अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो उनमें बहुत सारे बदलाव आते हैं और उनके वेरिएंट्स और सब वेरिएंट्स पैदा होते हैं। ये भी पुराना कोरोना वायरस है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हुए हैं जिस वजह से इसकी संक्रामकता तेज है। जिन लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन है या किसी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है तो उन्हें इससे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वहीं सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर अंशुल वार्ष्णेय कहते हैं कि आजकल हो रहे कोरोना में बुखार, सिर दर्द, चक्कर आना, सर्दी जुखाम, स्वाद ना आना और स्मेल का ना आना जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। वहीं जिन लोगों को शुगर, एचआईवी, कैंसर, किडनी की समस्या और कमजोर इम्यूनिटी है उन्हें ये काफी परेशान कर रहा है। वहीं इस बार बच्चों को, खासकर जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें ठीक होने में काफी समय लग रहा है। बीमार होने पर कई लोग खुद ही दवा लेने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको खांसी, जुकाम और बुखार हो रहा है तो समझें कि ये कोरोना हो सकता है। ऐसे में अपने डॉक्टर से चेकअप करवा कर ही दवा लें। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब सभी लोग मास्क लगाकर घूमा करते थे और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कॉमन था। लेकिन जैसे ही कोरोना गया तो मास्क और सैनिटाइजर को भी हमने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। लेकिन अब जिस तरह से फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क और सैनिटाइजर की वापसी जिंदगी में जरूरी हो गई है। खासकर अगर आप ये चाहते हैं कि ये दोबारा से बड़े पैमाने पर ना फैले और बीमार होकर आपको या परिवार में किसी को घर पर ना बैठना पड़े। प्रोफेसर सुनीत के सिंह कहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए सभी को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से भी बचना चाहिए। ये तो कोविड है, लेकिन अगर सामान्य सर्दी जुकाम की भी बात करें तो उसमें भी मुंह को कवर करके रखना चाहिए। वहीं छींकने पर भी मुंह को ढकना चाहिए। किसी भी वायरल इन्फेक्शन में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। अगर संक्रामकता ज्यादा है
तो आपको कोविड हो भी सकता है और आपसे किसी और को भी हो सकता है। इसलिए मास्क पहनना और भीड़ भाड़ से दूर रहना जरूरी है। वहीं डॉक्टर अंशुल वार्ष्णेय कहते हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए फिर से वही सावधानियां बरतनी होंगी जिन्हें हम पहले बरत रहे थे, लेकिन अब दिख रहा है कि ज्यादातर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो कम से कम मरीज तो मास्क पहने। हालांकि ये ज्यादा अच्छा है कि सभी लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कई राज्यों से सतर्क और कोविड 19 प्रबंधन के लिए तैयार रहने को कहा है। केंद्र ने कोविड 19 से जुड़ी स्थिति की समीक्षा की। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को संक्रमण के अधिक मामलों वाले स्थानों की पहचान करने, जांच बढ़ाने, बुनियादी ढांचा संबंधित तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 10-11 अप्रैल को मॉक ड्रिल की समीक्षा करने के लिए अस्पतालों का दौरा करने को कहा है।